आप इंग्लिश आता है ना, नीचे चलो सॉरी, ये बंद करो, ये बंद करो, नीचे चलो, कुछ नहीं है। हाँ मैं समझ गया जी, मैं अब नहीं जा रहा हूँ, मैं बोला ना सॉरी एक्चुअली। अगर फिर आके जो है ये जगह नाम है बतासिया लूप, तो यहाँ पे लाके हमको ड्राइवर साहब ने छोड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा सा घूमना है, देखते हैं अंदर क्या क्या है। ₹20 का टिकट है। बतासिया लूप रोजाना सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस पर पर्सन ₹20 है। बतासिया लूप दार्जिलिंग टाउन से 5 किलोमीटर दूर और घूम स्टेशन के ठीक नीचे स्थित है। यदि आप कार या टैक्सी लेते हैं तो दार्जिलिंग शहर से बतासिया लूप हिलकॉट रोड के किनारे तक का पहुंचने लगभग 15 मिनट लगता है। टैक्सी आपको छोड़ देगी या सड़क के किनारे पार्किंग में नीचे प्रतीक्षा करेगी। आपको टिकट लेना है और अंदर एंट्री कर लेना है। बतासिया लूप को 1919 में कमीशन किया गया था क्योंकि टॉय ट्रेन के लिए एक तेज ढाल को संभालने के सक्षम होने के लिए ये एक इंजीनियरिंग आवश्यकता थी। घूम के ठीक बाद जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, टॉय ट्रेन के दार्जिलिंग की ओर बढ़ने पर तेज़ गिरावट आती है। कोई रास्ता नहीं था, टॉय ट्रेन लगभग 140 फीट की इतनी भारी गिरावट पर बातचीत कर सकती है जब तक कि ढलान के ढाल को कम करने का कोई तरीका ना हो। बतासिया लूप के केंद्र में युद्ध स्मारक है। ये 1995 में दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा सैनिकों की याद में खोला गया था। ये स्कोप वाले भैया बोल रहे हैं, ये स्कोप से पूरा दार्जिलिंग दिखा देंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी दार्जिलिंग देख रहे हैं यहाँ से। इसके ऊपर जो चढ़ा था वो वाला 1 नंबर गेट से चढ़ा था, पर हम जो उतर रहे हैं 2 नंबर गेट है ये, उस तरफ से हम उतर रहे हैं। एक्सप्लोर करके हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट ड्राइवर साहब, और नेक्स्ट कहाँ जाना है? डाली मोनेस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट हम डाली मोनेस्ट्री जा रहे हैं।
हम जो है डाली मॉनेस्ट्री पे आके पहुंच चुके हैं। देखते हैं necessary, okay? टिकट है क्या? नहीं। Okay, सिक्योरिटी गार्ड भैया ने बोले कि मास्क इज नेसेसरी, तो हमने भी मास्क लगा लिए और डाली मॉनेस्ट्री की दर्शन करने चल पड़े। देखते हैं यहाँ है कॉफी एंड सोविनर्स ऑफ कार्यालय ऑफिस संग्रहालय म्यूजियम प्रमुख मंदिर मेन टेंपल शौचालय टॉयलेट। ओह माय गॉड, किधर से वहां पे एक साइड कुछ कॉफी वगैरह। हाँ देखते हैं एंटर करके। ये कोई गुंबद सा, एक गुंबद जैसे बना हुआ है। जब भी आप दार्जिलिंग आते हो तो आपको एक बार डाली मॉनेस्ट्री ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप इधर का जो हिल्स है इसका व्यू आप बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से ले सकते हो। और ये है डाली मॉनेस्ट्री, रंग बिरंग में बना हुआ है देखने को, जो बहुत ही अच्छा लगता है।
और हमारे बुद्ध जी का यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है। काफी बड़ा स्टैचू बना हुआ है, कलर इस गोल्डन कलर, शायद लकड़ी से बनाया है, लकड़ी से बनाया है। गंपोपा क्लिनिक, अच्छा। दिल्ली मोनास्ट्री के अंदर से थोड़ा देखते हैं कैसा व्यू है, वो भी जरा देखते हैं। उधर से रास्ता है, पद नीचे, चलो ऊपर तो जाने का नहीं है। नहीं मैंने पढ़ा नहीं, इंग्लिश हिंदी कुछ आता है? या आता है या यहाँ पर आ जाओ, अगर आप आते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओह सॉरी, आप इंग्लिश आता है ना? सॉरी सॉरी, नीचे चलो, सॉरी ये बंद करो नीचे चलो, ठीक है ओके। ओह अगर यहाँ आते हो डाली मोनास्ट्री पे आप, तो यहीं तक सिर्फ एंट्री है टूरिस्ट के लिए, इससे आगे के लिए नहीं है। एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट नॉट अलाउड एनॉय दिस पॉइंट। पता नहीं कहीं पे भैया ने रोका है, बोला कि यहाँ पे लंच करना है, तो देखते हैं लंच में क्या है। लोकल है यहाँ, वेज थाली में वेज में है क्या? वेज में राइस आएगा सर, और तो सब्जी आएगा, पापड़ आएगा। सब्जी कौन सा? आलू, आलू का सब्जी, आलू और साग, आलू और साग। वो बैग ले गया है ना अपनी मां ने, तू भी सर भैया ने लंच के लिए एक जगह रोका है, पर खाना मुझे तो पसंद नहीं है। यहाँ का आसामी खाना ही है ना, नेपाली खाना, खाना कुछ खास नहीं है। किसी इंडियन रेस्टोरेंट पर लगा देता अच्छा रहता, कम से कम बिरयानी खा लेते हम तो, जान बचाने के लिए तो खाना पड़ेगा। लंच कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप, देखते हैं भैया कहाँ लेके जाते हैं।